दोस्तों ये बात है सन 1941 की, जब पोलिश सैनिक ईरान से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने साथ एक नए साथी को जोड़ लिया। ये साथी एक भालू का बच्चा था जिसकी माँ को शिकारियों ने गोली मार दी थी। ये पोलिश आर्मी के 22nd आर्टिलरी सप्लाई कंपनी के साथ जुड़ गया। सैनिकों ने उसे नाम दिया वोस्टेक, जिसका मतलब होता है हैप्पी वॉरियर। उसे एक छोटे बच्चे की तरह पाला गया। छोटे बच्चों की तरह उसे बोतल से दूध पिलाया जाता था, जिससे उसे माता पिता की कमी महसूस नहीं होती थी। बड़े होते हुए इस भालू को सिगरेट पीना और बियर पीना पसंद आने लगा। उसे सैनिकों के साथ कुश्ती करने में भी बड़ा मजा आता था। जब फौजी यूनिट मिशन पर जाने लगी तो भालू भी उनके साथ चल दिया। उसकी यूनिट जब ब्रिटिश आर्मी से मिल गई, ब्रिटिश हाईकमांड ने किसी भी जानवर को अपने कैंप में आने की अनुमति नहीं दी, तो पोलिश आर्मी ने वोस्टेक भालू को फौजी रैंक से नवाजा, तो उसे प्राइवेट की रैंक दे दी और सेना का हिस्सा बना लिया। एक भीषण लड़ाई के दौरान उसने बखूबी अपनी सेना का साथ दिया। उसने 100 पाउंड से भी ज्यादा वजन के गोला बारूद के बक्सों को ट्रक से उठाकर लड़ाई के मैदान में अपने सैनिक दोस्तों तक पहुंचाया। इस भयंकर युद्ध के बाद 22nd आर्टिलरी यूनिट का सिंबल बदलकर वोस्टेक की तस्वीर रख दिया गया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।